हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट का फंडा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक टॉप लोड का ड्रम निकाल कर। ठीक है, तो इसको आज हम सर्विस करेंगे और सर्विस करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन थी, कस्टमर ने बताया कि बिल्कुल भी कपड़े अच्छे से नहीं धो रही थी। ठीक है, काफ़ी कचरा इसके अंदर जमा हुआ है, सूखा हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और अभी मैं इसको आपको खोल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, पल्सेटर निकाल लेना है। ठीक है, आराम से पल्सेटर निकल जाता है। अगर नहीं निकलता तो थोड़ा आप इसके ऊपर केमिकल डाल सकते हैं या किसी वायर की मदद से खींच कर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये हमारा नट होता है असेंबली का, तो इसके लिए हमने एक ये गोटी लगा करके, पाइप लगा करके बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइट हुआ होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद हम ड्रम बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए बहुत आसानी से खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये काफ़ी बड़ा होना चाहिए आपका हैंडल। ठीक है, हैंडल बड़ा रहेगा तो आसानी से खुल जाता है ये। ठीक है दोस्तों, छोटा हैंडल आप रखोगे तो ये आपका नहीं खुलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है, कार बनाया रहता है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम इसको ऐसे हिला करके आराम से बिल्कुल सीधा का सीधा निकालेंगे। देखिए किस तरह से कचरा इसके अंदर जमा हुआ है, और ये उतरेगा भी नहीं क्योंकि काफ़ी पुराना हुआ पड़ा है और बहुत बुरी तरीके से जम रहा है। देखिए, और ये स्पिन भी सही से नहीं चल रहा था। ठीक है, इसका क्योंकि जो इसके हॉल है वो सब बंद पड़े थे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ऐसे तो ये उतरेगा नहीं, इसके लिए हमारे पास एक केमिकल है। ठीक है, नमक वाला तेजाब बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो इसकी मदद से हम इसको पहले जो कचरा है इसके अंदर जो जमा हुआ है इसको फुला लेंगे। ठीक है, अच्छे से जब ये हल्का हो जाएगा फिर हम इसको अच्छे से धोएंगे। ठीक है, और कैसे इसको धोना है, क्योंकि ये आसानी से नहीं उतरता, ये जम जाता है। सीमेंट से भी ज़्यादा इसके अंदर मतलब चिपक होती है, तो ये उतरता नहीं। ठीक है, आसानी से। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, और कितने अच्छे से ये मशीन जो है हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ठीक है, इसको डाल करके कुछ देर छोड़ देना है। ये कहाँ मिलता है मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए किस तरह से ये जमा हुआ है, तो ये इसी की मदद से उतरेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वॉशिंग मशीन की सर्विस करते हैं तो अच्छे से इसी तरह करें। ठीक है, जो हमारे डिस्केल आते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो अगर ज़्यादा कचरा है तो आप ड्रम को बाहर निकाल लें। ठीक है, और इसका ड्रम निकाल करके जिस तरह से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, इस तरह से करेंगे तो आपकी मशीन में कभी भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। ठीक है, और आपकी मशीन बहुत अच्छी चलेगी, लोड कम लेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारी चलता है ड्रम बहुत ज़्यादा। तो वीडियो में पूरा बन रही है दोस्तों, मेरे चैनल पर सभी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और कुछ देर केमिकल डालने के बाद आप इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं जेट पंप की मदद से, प्रेशर से। ठीक है, क्योंकि ये चिपका रहता है तो इतनी आसानी से नहीं उतरता है। ये देखिए बहुत अच्छे से अब उतर रहा है, और उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कितना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, तब जा करके उतर रहा है, और केमिकल डालने के बाद। तो मैं कस्टमर से भी ये बोलूँगा कि जब आप सर्विस कराए तो जेट पंप से करा लीजिए। ठीक है, अगर ज़्यादा पुरानी आपकी मशीन हो गई है, तो ये जो मशीन थी मैं आपको बता दूँ तकरीबन 9 से 10 साल पुरानी थी। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा कचरा जमा हुआ था। ठीक है, और डिस्केल वगैरह का यूज़ करते रहे हर 6 महीने बाद, 6 से 4 महीने के अंदर अंदर, ताकि आपका जो ड्रम रहे वो क्लीन रहे। ठीक है, ये यही एक इसका कारण रहता है कि इसके अंदर डिस्केलिंग वगैरह नहीं की हुई थी। ठीक है, ऐसे ही चला रहा था इसको कस्टमर। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, अभी हमारी मशीन की सर्विस हो चुकी है और हमने टैंक भी लगा दिया है। ठीक है, और अभी हम इसको फिट करेंगे, आपको दिखाएंगे कितने अच्छे से। देखिए सारा कचरा बिल्कुल उतर चुका है इसका, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुका, और जितने भी इसके हॉल हैं वो बिल्कुल अच्छे से खुल चुके हैं। इसकी वजह से हमारी मशीन काम नहीं करती। ठीक है, और बैलेंस आउट रहता है। तो अभी हम इसको फिट करके फिर आपको चला करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी मशीन फिट हो चुकी है। ठीक है, रिंग वगैरह लगा लेते हैं, फिर मैं आपको इसको चला करके दिखाता हूँ।
ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल पर सभी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। और ये नट लगा देना है, अच्छे से टाइट करना है, इसको लूज नहीं रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, तो आपका जो ड्रम रहेगा वो हिलेगा, ठीक है। ये देखिए हमारा जो ड्रम है वो लग चुका। अब मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। पेंच लगा लेंगे, उसके बाद पेंच लगाने के बाद पल्सेटर लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल ओके हो गई है मशीन, ठीक है दोस्तों। आज के लिए जो वीडियो बनाई मैंने सर्विस के लिए बनाई है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। देखिए हमारी मशीन भी बिल्कुल ओके चल चुकी है।